सुन रहे हो क्या? तुमसे कह रही हूँ मैं, क्या लगा तुम्हें? हाँ मैं बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाऊंगी? हाँ बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तुम थोड़ी देर बाद लॉकअप में, जो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तुम्हें तब। तुम्हें क्या लगा हाँ एक अकेली पुलिस वाली को तुमने किडनैप कर लिया है? नहीं बेटा, तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को किडनैप किया है। पूरे शहर की पुलिस ने तुम्हें नोच खाएगी, समझ रहे हो तुम? मेरी शक्ल पे मत जाना, बहुत क्यूट दिखती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ, समझ रहे हो? मेरी खोपड़ी खिसक गई ना तो तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुमसे नहीं देखा। सुन रहे हो क्या? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुनो ना, देख भी नहीं रहे हो। क्या क्या? हाँ तो डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ नहीं मैं मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? मम्मी पट्टी हटा दो, पुलिस आ जाएगी। तुम बहुत भगभग करती है ना तू। ना बोल रही यार, मत बोलो, छोड़ो। हेलो, अरे क्या है ये, कितना बोलती है? अगर ऐसे दिमाग खाती रही ना तो मैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही मार दूंगा इसे। अभी बोलो, उठा तो लिया है, मारना कब है? हाँ हाँ पता है पुलिस है, ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन मारना तो है ना फिर? माँ कुछ खा लो, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्ले, हम अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं ना कि क्या बताएं तुमको, समझ में नहीं आ रहा कहाँ होगी हमारी बच्ची, कहाँ ढूंढे उसे। शिवजी बचाइए हमारे संतु को, आप ही की बच्ची है वो। आप लोग चाहते हैं ना कि संतोष शर्मा सही सलामत घर वापस आए? ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर? मैडम सर अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें बस। आप बस बताइए कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये, और हमारी बात ध्यान से सुनी, समझ में आ गया? जी समझ तो गए मैडम सर, मगर डीएसपी सर की ऑर्डर की तलवार आपके सर पर लटक रही है, विभागीय कार्यवाही भी आप पर शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। संतोष शर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुष्पा जी, उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कहाँ जा रही हैं सीना जी? हम आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप ना ही हमारे सीनियर हैं और ना ही स्थानीय के शुभचिंतक। ऑन ड्यूटी कलीग्स तो है ही ना, बस उसी नाते पूछ रहा था, अगर आप संतोष शर्मा को ढूंढने जा रही हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय आप बहुत ही बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, क्योंकि जहां तक हमारा लॉजिक कहता है गुस्से और जज्बात का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है, इन दोनों के बेस पर लिए गए फैसले अक्सर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं हसीना मलिक। हमें अपने इमोशन से डील करना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर अमर विद्रोही, हम सबसे पहले एक पुलिस वाले अपने खाकी के फर्ज और अपने जाती फर्ज के बीच के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब तक यहाँ हूँ ये थाना मेरी भी जिम्मेदारी है हसीना मलिक, संतोष शर्मा भी, उन्हें ढूंढना, उनकी हिफाजत करना और सही सलामत उन्हें वापस लाना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, ये भी निभाऊंगा, भरोसा कीजिए मुझ पर। बात भरोसे की है ही नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, बात दिल के रिश्ते की है, और ये बात आप कभी समझेंगे नहीं, इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए और हमें जो ठीक लगता है वो हम करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के रास्ते में ना आए तो अच्छी बात होगी, अगर ऐसा होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ड्यूटी होगी, जज्बात नहीं। हर कोई जज्बाती हो भी नहीं सकता मिस्टर अमर विद्रोही, उसके लिए खास लोग होते हैं, वो कहते हैं ना मोहब्बत के लिए भी हैं कुछ खास दिल मखसूस, ये वो नगमा नहीं जो हर साज पर गाया जाए।
ये क्या जाने टीम क्या होती है और आप क्या जाने सीनियर क्या होते हैं। पिछले कई सालों से मेरा ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीनियर्स ने मुझे ड्यूटी के लिए डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया था। कोई भी SHO मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अमर सर, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पर वापस लगवाया बल्कि अपने साथ रखा और आज तक साथ निभा रहे हैं। ये अमर विद्रोही, ये कितने बड़े ऑफिसर है ना ये अलग बात है, पर इंसान इंसान बहुत बड़े और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पुष्पा जी, कोई नहीं। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें तो संतू को ढूंढना चाहिए ना। हम ऐसी जगह समय बर्बाद काहे कर रहे हैं जहाँ हम आ चुके हैं। हमने अच्छे से तफ्तीश भी कर लिया सर। आपको याद है करिश्मा सिंह, मैंने आपसे क्या कहा था? नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चीजों को देखकर क्राइम ऑब्जर्व करता है और एक शार्प इन्वेस्टिगेटर चीजों को सुनकर क्राइम ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हर चीज अपनी कहानी खुद कहती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक बार फिर से चेक कीजिए, हर चीज को बारीकी से देखिए। जाइए। जी सर। ये देखिए करिश्मा सिंह। सर ये तो संतोष शर्मा का डंडा और उस पर लगे ये खून के धब्बे, मतलब संतोष शर्मा और उसके हमलावर के बीच में फिजिकल स्ट्रगल भी हुआ था। वो देखिए करिश्मा सिंह, फ्लोर की तरफ देखिए, क्या नजर आ रहा है? सर ये ऐसा लग रहा है कुछ गिरा है और किसी ने साफ किया और वो अच्छे से साफ भी नहीं हुआ है, मतलब ऐसे गंदे कपड़े से साफ हुआ ऐसा लग रहा है। तो किसने किया होगा फिर? सर जाहिर सी बात है हमलावर ने ही किया है ताकि वो फिंगरप्रिंट्स या कोई भी उसमें निशान तो ना रह सके, कोई भी सबूत ना बच सके। दिमाग लगाइए करिश्मा सिंह, सोचिए, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। सर ये देख रहे हैं आप, किसी दवाई के शीशे का ढक्कन, दवाई का शीशे नहीं मिला लेकिन सिर्फ ढक्कन मिला। टूटा हुआ ग्लास, कांच के बिखरे हुए टुकड़े, डंडे पर लगे हुए खून के धब्बे और कमरे की आधी अधूरी सफाई, कुछ समझ में आ रहा है SI करिश्मा सिंह? ये सारी चीजें कहानी के वो बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें अगर थोड़ी से होशियारी से जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या हुआ था उस बात का पता बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इन टुकड़ों। तो मेरे ख्याल से हुआ कुछ यूं होगा, हमलावर ने घर में एंटर होते ही सबसे पहले संतोष शर्मा को बेहोश कर दिया होगा। उसके बाद बेहोशी की दवा की शीशी खोली गई, शीशी की सारी गोलियां पानी के इस गिलास में डालकर मिलाई ताकि संतोष को पिलाए और संतोष की मौत क्लियर कट एक सुसाइड लगे, जो संतोष शर्मा ने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी जान लेने के लिए खाई। जब हमलावर ने संतोष शर्मा को नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश की होगी तब तक संतोष शर्मा को थोड़ा सा होश आ चुका होगा और थोड़े से होश में उसने हमलावर का विरोध किया होगा। जाहिर है हमलावर ने संतोष को काबू में रखने के लिए उसे फिर से बेहोश किया होगा। अब संतोष शर्मा को मारना और उसकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर करना तो पॉसिबल नहीं था। हमलावर का पूरा प्लान फेल हो चुका था और ये पूरा मामला सुसाइड का लग सके इसलिए हमलावर को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे वो संतोष शर्मा के खिलाफ यूज कर सके और उसे मिला वो नोट। फाइनली उसे उस सिचुएशन में जो सूझा उसने किया, उसने यहाँ जो हुआ उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, साफ सफाई की यहाँ की और बेहोश संतोष को लेकर यहाँ से चला गया।
सर, ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रीज़न? ये संतो के यहाँ क्या कर रहा है? क्या श्रीमान दीवान, हर वक्त बस काम काम काम, कभी तो कर लीजिए ना थोड़ा सा विश्राम। जाइए जाकर कराइए थोड़ा जलपान। अरे हम तो कविता बोल गए, वैसे तो हम कभी कविता करते नहीं, मगर आज अचानक। कहने का मतलब ये है कि जाइए थोड़ा चाय वाय पीकर आइए। जाइए। आज आपको हमारी चिंता कैसे हो रही है? इंसानियत हम में भी है, इसलिए इंसानियत के खातिर पूछ रहे हैं कि जाइए जाकर चाय वाय पीकर आइए। वैसे बात तो आपने सही की, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है। हो रही ना, तो फिर देर किस बात की, जाइए तुरंत पी के आइए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए, वरना ये अगर इच्छा अधूरी रह गई ना तो आपकी आत्मा यही हवेली में भटकती रहेगी चाय 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 करते हुए। चाय 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 चाय, ये लीजिए दीवान जी, बदनाम स्पेशल चम। देखिए आपने चाय कही और चाय भी आ गई। जी बज रहा है, जाइए। नहीं, इस बार आप जाइए और फोन उठाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर बार आप कहते रहते ना, औरतें हमेशा आगे आगे करती है, मर्दों को कुछ करने ही नहीं देती। हमें नहीं सुनने आपके ताने, जाइए फोन उठाइए। नहीं, इस बार हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपकी हसीना मैडम फिलहाल ऑफिशियली इस कॉम्पिटिशन से बाहर है, और संतोष शर्मा का केस तो हमारे सर संभाल ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Excuse me, madam. जी कहिए। मुझे रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट लिखानी है? रिपोर्ट लिखानी है? हमारी तरफ क्या देख रहे हैं, जाइए रिपोर्ट लिखाइए। नहीं, हम नहीं ले सकते ना केस, डीएसपी सर का ऑर्डर है मैडम सर के लिए। तो जाइए, आप ही अपने नंबर बढ़ाइए। अब आइए हमारे साथ, बैठिए, बताइए। जी मेरा मोबाइल खो गया है, उसी की कंप्लेंट निकाली है। हेलो मलाइका, हमारे यहाँ खाना बनाने आती है। सब्जी बनाओ भिंडी की। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। कुछ मिला संतोष के फोन से? समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्या बताएं आपको, इस संतोष के साथ पता नहीं क्या चल रहा था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसके फोन रिकॉर्ड से पता चल रहा है मैडम सर, उसने कल किसी डॉक्टर दामिनी खन्ना को मैसेज किया था। डॉक्टर दामिनी खन्ना एक मनोचिकित्सक है, अब क्या कहते उसे, साइकियाट्रिस्ट। हाँ वही। हाँ लेकिन पुष्पा जी, संतोष को अचानक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्या पड़ गई? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्यों? अच्छा ठीक है, मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में, हाँ दो लाइन का मैसेज है, पढ़ के सुनाते एक मिनट। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई नीड टू मीट यू। संतोष शर्मा डिप्रेस थे? मतलब चीता बिल्कुल सही कह रहा था कि संतोष ने जो है पॉलीग्राफ टेस्ट का जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, और हमें पता ही नहीं है। बच्ची बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है, और वो भी नालायक। एक छोटा सा पिंपल भी आता था ना तो दिन में 50 बार हमारे कान खाती थी, पुष्पा जी देखिए पिंपल आ गया पिंपल आ गया, और इतनी बड़ी बात उसने हमसे एक बार भी नहीं कही, और हम पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती थी वो। आने दीजिए, वापस आने दीजिए उसे, ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि वो पुष्पे को कभी भूल नहीं पाएगी। पुष्पा जी देखिए प्लीज प्लीज आप खुद को संभालिए, इस तरह से आप टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा।
आपने डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर दामिनी खन्ना। ठीक है, उनका एड्रेस हमें मैसेज कीजिए जल्दी। जी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। हाँ, जय हिंद। डॉक्टर दामिनी। यस। आई एम सो सॉरी, हम इस तरह से बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है, हमें आपसे बस दो मिनट बात करनी है। इट्स ओके, कहिए क्या बात करनी है। हाँ, आप शायद पेशेंट के साथ हैं, हम बाहर चलकर बात करें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शी इज नॉट माई पेशेंट, शी इज अनुष्का मित्तल, फाउंडर ऑफ बिग एंड फेमस फार्मा कंपनी मुस्कान, और इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी। होप यू नो हर। ऑफ कोर्स, अनुष्का मित्तल, फार्मा क्वीन, आपको कौन नहीं जानता। एसएचओ हसीना मलिक को भी आज की डेट में कौन नहीं जानता। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। जय हिंद दीवान जी, बताइए, संतोष के मैसेज चेक किया आपने? कुछ हाथ लगा उसके फोन से? एनी क्लू, कोई इशारा? अब सर क्या ही बताए आपको, फोन हाथ में लगे तो कुछ पता चले ना। पर सर यहाँ तो संतोष शर्मा का फोन ही गायब है। सर ये पक्का इन्हीं का काम है, ये चाहते ही नहीं कि हमारे हाथ में फोन आए और हम ये केस सॉल्व करें। अब आप बताइए सर मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, फिलहाल आप कुछ मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं, सब ठीक है, आप प्लीज आगे से राइट लीजिए। जी। इन्हें जानती है? ये तो वही लड़की है। कौन कौन लड़की? कल ही तो आई थी मेरे पास, काफी डिस्टर्ब थी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और डिप्रेस भी लग रही थी। मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, पता नहीं उसने ली है कि नहीं। आपने मेडिसिन दी थी लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला उसके पास। बात क्या है मैडम, ये ठीक तो है ना? नहीं, ये लड़की गुमशुदा है, हम इसी को तलाश कर रहे हैं। ओ गॉड, कितने केयरलेस है आजकल के यंगस्टर्स। मेरी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। काश इन यंगस्टर्स को कोई समझाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से। पता नहीं क्या आजकल के जनरेशन कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए तो माई ट्रबल शूटर नाम की सॉल्यूशन पिल्स को प्रिस्क्राइब की थी, जो आजकल के यंगस्टर्स के इन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि इन युवाओं की जान बचाई जा सके। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि संतोष शर्मा ने सुसाइड किया है। नहीं, हम ये नहीं मान सकते, बात कुछ और है, हमें पता लगाना होगा। अफसोस हसीना जी, इतनी सीनियर ऑफिसर होकर भी लगता नहीं कि आपको प्रोटोकॉल की कोई परवाह है। एसपी सर ने साफ साफ कहा था कि आप थाने में आने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, और मैंने भी आपको इस केस को लेकर वार्न किया था, लेकिन आप फिर भी मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल दे रही। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर अमर विद्रोही, आपके लिए एक मामूली सा केस है, लेकिन हमारे लिए हमारे घर की एक बच्ची खो गई है, इसलिए हमारे लिए इस वक्त इस केस से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और संतोष शर्मा को ढूंढने के लिए हम कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। हमारे लिए ये नौकरी, ये वर्दी, प्रोटोकॉल कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्लीज आप अपना काम करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है जो आप कर रही हैं वो सही है तो बस इतनी सी बात मान लीजिए मेरी, मुझे अपने साथ आने दीजिए, ताकि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल भी ना दे पाएं और जाने अनजाने में कोई प्रोटोकॉल भी ब्रेक ना कर पाएं। प्लीज इतनी बात तो आप मान ही सकती हैं मेरी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। अरे करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं, अब ये केस हम दोनों मिलकर देख लेंगे, थाने में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। प्लीज। अरे ये कहाँ ले आए, कहाँ रोक दिया आपने गाड़ी? उतरिए हसीना जी। हम क्यों उतरे? देखिए आप चलिए, हम कहीं उतरने वाले। हसीना जी मेरी बात सुनिए, उतरिए प्लीज। दिमाग खराब है आपका। आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अमर विद्रोही आवाज से बात कर रहे हैं।
I'm sorry, हसीना जी, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे पास. मैं जानता हूँ इस केस के साथ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और संतोष शर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे भी तो अपनी ड्यूटी करनी है ना. जो आप मुझे करने नहीं दे रही, मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही हैं आप. देखिए, थोड़ी देर की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए मेरे लिए. उसके बाद आई प्रॉमिस यू, मैं संतोष शर्मा और उसके हमलावर को लेकर आकर मैं आपको रिलीज कर दूंगा. पर थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कर लीजिए. मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं. अरे क्या पागल है, क्या दिमाग? अमर विद्रोही, अमर विद्रोही. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.